से युवती ने आमिल की नहर में लगाई छलांग, 85 घंटे बाद मिला नहर में युवती का शव। जी हां, बीमारी के चलते युवती ने की आत्महत्या। लंबी बीमारी से परेशान होकर 18 वर्षीय युवती ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के आमिल की नहर का है, जहाँ सिलपरा पावर हाउस के टर्बाइन में युवती का शव बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय युवती ने आमिल की नहर में छलांग लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के भाई पवन दाहिया के द्वारा बताया गया कि मेरी बहन प्रियंका दाहिया, पिता बाबूलाल दाहिया, उम्र 18 वर्ष को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते उसके सर्व आंख में मवाद बन रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर ये कदम उठा लिया है। घर से बिना बताए ही विगत 9 जून को नहर में जाकर छलांग लगा दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने गोविंदगढ़ थाने में दर्ज करवाई थी। परिजनों की शिकायत पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही SDRF टीम एवं थाने के पुलिस बल के साथ नहर में सर्चिंग की गई, मगर नहर में ज्यादा पानी होने के कारण प्रियंका को खोज पाना संभव नहीं था। वहीं जिसके बाद नहर का पानी बंद कराया गया। पानी बंद होने के बाद नहर की सर्चिंग की गई तो मृतक की लड़की का शव पर शिल्परा विद्युत प्लांट के टरबाइन में। क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार दाहिया। पवन दाहिया, यस। अच्छा, ये जो बाड़ी आ रही है बच्ची का, प्रियंका दाहिया, तुम्हारी क्या लगती है? सबसे छोटी सिस्टर है मेरी। छोटी बहन है? तुम क्या करते हो? सर मैं पुणे में काम करता हूँ। पुणे में? यस सर। अच्छा, वहाँ काम करते हो। कितने लोग हैं घर में? मतलब सिस्टर कितनी है? दो। और भाई? भाई तीन। मतलब 3-2-5 लोग हैं। मदर फादर भी है? माता पिता, मम्मी पापा। हाँ, तो क्या इसका ये जैसे सुसाइड करी तो क्या है, तुम्हें क्या जानकारी मिली? तुम घर के भाई हो उसके। सिर्फ इसका रीजन यही, थोड़ी तेज बोलो। हाँ, इसका रीजन सर यही समझ में आया कि जब मैं यहाँ पहुँचा, बहन बताई कि छोटी बहन बोल रही थी कि भैया अपने बहन से कि बेटी मैं बच नहीं पाऊंगी, अरे ऐसे प्रॉब्लम है, आंख से मांबांध है, पूरा माइंड में एकदम ऐसा लगता है पूरा खोखला लग रहा है। अच्छा, कब से है, कहां पर पहले बीमारी? बचपन से था, जैसे यहां गिलती थी, मतलब गर्दन के नीचे गिलती थी। गर्दन के नीचे गिलती थी, तो फिर मैं पूरा पक नहीं पाया था, मम्मी ने निकाल दिया था। अच्छा, गिलती निकाल दिया था, पक नहीं पाया। पक गई, पकने की वजह से मवाद पूरा यहां से सुरंग बना के आंख की पुतली में, वहां से पूरा मवाद निकलना शुरू हो गया। ये सर बचपन से लेके अभी तक है, जिसकी वजह से सर ट्रीटमेंट कराए। मतलब आंख से कहां से निकलता था मवाद? आंख की पुतली से। ओहो, यहां से सर मवाद निकलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सर दवा 2-3 साल से कंटिन्यू कराए, लेकिन चित्रकूट में ले, मतलब इलाज करवा रहे थे। कितनी उम्र होगी बच्ची का, क्या नाम है पूरा? सर प्रियंका दाहिया। प्रियंका, उम्र कितनी है? उम्र सर 18 के आसपास की। 18-19 साल है ना? क्लास कर गई। अच्छा अच्छा, यस सर। पढ़ता, पढ़ाई लिखाई करती थे, क्या करती थी? 12वीं सर, आर्ट सब्जेक्ट। अरे वाह। और एक बहन छोटी है, बड़ी है? वो सर बड़ी है। हाँ, तो फिर क्या क्या हुआ बताओ आगे? उसके बाद सर दवा 2 साल से इसमें करा रहे थे चित्रकूट में, कोई वहाँ मतलब डिसीजन नहीं दे रहे थे, सही नहीं। अच्छा, दूर दूर तक ले गए आँखों दिखाने वगैरह? नहीं, तो उस दिन क्या हुआ, उस घटना दिनांक को क्या हुआ था? दिनांक को सर उसके 2-3 दिन पहले तबीयत खराब थी। अच्छा, पड़ रही थी तो हालत खराब थी, बता यही रही थी कि मैं लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अच्छा, कह रही थी कि मैं बच नहीं पाऊंगा, प्रॉब्लम है इसके वजह से। बस उसके बाद एक दिन पहले बात हुई, लेकिन घर वालों से नहीं हुई, सिर्फ छोटा वाला भाई से हुई। उसके बाद कोई मेरे को रीजन नहीं बताया, बस कंपनी में था, मोबाइल भी गेट में बंद रहता था, सुपरवाइजर के पास फोन गया, मेरे को बताए कि ऐसी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन तुम्हारी बहन बता रही थी ना कि दौड़ते हुए गई कि मैं बच नहीं पाऊंगी, है धीरे से चली गई थी। सर ये जब हम यहाँ पहुँचे, जब हम क्या बताई बहन ने? जब यहाँ पहुँचे तब यही बताई कि छोटी वाली बहन ऐसा ऐसा बोल रही थी। क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी कि मैं बच नहीं पाऊंगी, बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, आंख से मवाद निकल रही है, पूरा माइंड में लगता है खोखलापन एकदम। अच्छा अच्छा, कान से पूरा एकदम तकलीफ थी, बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम थी।
इसकी वजह से दवा करवा रहे थे लेकिन चित्रकूट में कोई नहीं तो नहर में कूदते किसी ने देखा था क्या बताई वो तो कोई डिसीजन बस यही सिस्टर बताई कि मैं बर्तन धुल रही थी मम्मी कोटा में थी पापा जी ड्यूटी गए थे दोनों ब्रदर नहीं थे खाना खा के कहीं टहलने गए थे खाली सिंगल वही थी उसके बाद घर से बहुत दूर मतलब जो रेगुलरिटी जिस तरफ उसका बाहर का जाने रहता है वो उधर ना जाके वो सीधा निकल ली। अच्छा अच्छा जब काफी दूर दिखी थोड़ा थोड़ा दिख रही थी तब वो दौड़ के गई कि तो दो चार दिन पहले तो ये ऐसी बात बोली ऐसा नहीं कि ये वही करने तो पीछे पीछे जब को वो पीछे मुड़ के काफी दूर से देखी तब एक बार मुड़ के देखी उसके बाद नहीं दिखी बोली छलांग लगा दी थी। अच्छा, बस दिखा तो डब्बा चप्पल में एक दी। अच्छा वहाँ पर डब्बा और चप्पल वगैरह वो बता रही दुपट्टा भी था दुपट्टा भी शायद मतलब और तो कोई कारण नहीं ना कोई लड़कों से किसी प्रकार की या किसी से कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं ना अभी तक हमारे कान में भी तो कोई हाँ ठीक है चलो कोई अच्छी चलो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी कभी ऐसी नहीं थी बहुत लेकिन ये तकलीफ के कारण उसको है ना मेन वही है जब से ये हो गया था जब आँखी में पानी निकलत रहा मतलब कुल मिला कैंसर ही था आँख में अच्छा दर्द ज्यादा था तो कान से गले से आँख से भी निकलता था ना एकदम असहनीय हो गया ओहो चलो ठीक है क्या कर सकते हैं सहन नहीं कर पा रहे बस उसके वजह से चलो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया देखो नल को पूरा ये नहर को कितने बार बंद कराए और कल हमने रात से पूरा बंद करा दिया था इसलिए ये सब तुम तो कल आए क्या सर मैं परसों रात में पहुँचा चलो ठीक है अमेलिया में जो बच्ची मिली है उसको कई बीमारियां थी और बीमारियों से प्रताड़ित थी परेशान थी इस कारण से उसने सुसाइड कर दिया था और कुछ ऐसा ही कह के निकला है उसकी डेड बॉडी प्राप्त हो गई है पीएम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाए।